Dear students, Assalamu alaikum. I welcome all of you in the lecture 12 for the course titled Research Methods in Special Education, and the course code for this course is SPD 3116. This course is designed for the program MA Special Education Semester 2, and today's टॉपिक फॉर द लेक्चर इज़ कोरिलेशनल रिसर्च. इससे पहले हमने जो डिफरेंट टाइप्स पढ़ी उसमें हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को डिटेल से पढ़ा. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम कोरिलेशनल रिसर्च के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम डॉक्टर अफाफ मंजूर, वर्किंग इन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर, एंड यू कैन एक्सेस मी ऑन afaf.manzoor@ue.edu.pk. So students, let's start with today's agenda. Today we are going to talk about the definition of correlational research. हम इसमें examples देखने जाएंगे कुछ correlational research की, ताकि हम उसको better तरीके से understand कर सकेंगे correlation research होती क्या है और किस तरह से conduct की जाती है. इसमें हम types of correlation research देखेंगे. We will also try to explore the characteristics of correlation research. Then we will go for the steps to conduct correlation research, कि किस तरह से correlation research जो है वो step by step conduct की जाती है. We will also see the strengths and weaknesses of this research design as well. So here are the few learning outcomes. After watching or listening this video, students will be able to briefly state the purpose of correlation research, list and describe the major steps in conducting correlation research. They may be able to explain various types of correlation research, and they could know about the advantages and disadvantages of correlation research. So let's start with the word correlation. So when the word comes, correlation comes into mind, जब आपके जहन में correlation का लफ्ज़ आता है तो आप उसको किस तरह से understand करते हैं. Creswell जो है वो correlation को इस तरह से कहता है कि correlation can be defined as the statistical test used to determine the tendency or pattern for two or more variables or sets of data to vary consistently. यानी कोरिलेशन जो है वो उसको एक स्टैटिस्टिकल टर्म जो है उसको टेस्ट कहता है, और वो कहता है कि ये टेंडेंसी है, ये या तो टेंडेंसी को डिटरमिन करता है या पैटर्न को डिटरमिन करता है, कि जो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसकी टेंडेंसी और पैटर्न. टेंडेंसी क्या है कि कितनी हद तक है वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, कितनी हद तक जो है वो वीक है, और पैटर्न जो है यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीज़ें हैं, कि यानी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरे चीज़ में बढ़ोतरी आ रही है और एक चीज़ के बढ़ने से दूसरे चीज़ में कमी आ रही है, दिस इज़ अ नेगेटिव. तो ये जो दो चीज़ें हैं उसको डिटरमिन करता है कोरिलेशन, जो कि एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है के ज़रिए हम डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं. इसकी एग्जाम्पल ले लीजिए. If a score of an English test depends on the number of hours spent studying, then we can say that there is a correlation between the test score and number of hours spent on studying. तो अगर हम एक एग्जाम्पल ये लेते हैं कि इंग्लिश का टेस्ट स्कोर जो है उसमें बढ़ने की जो नंबर उसमें बढ़ रहे हैं वो तब बढ़ते हैं जब आप उसमें जो पढ़ने के घंटे हैं उनको बढ़ा दें, तो हम ये कह सकते हैं कि जो टेस्ट स्कोर है यानी जो उसका जो उसको हासिल करता नंबर है इंग्लिश में, और जो टाइम स्पेंड किया जा रहा है उसके इंग्लिश के सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, उन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप है. सो दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन. और अगर हम कोरिलेशन डिज़ाइन की बात करते हैं तो सबसे पहली बात हुई कि समटाइम्स हम कोरिलेशन डिज़ाइन को जो है वो कंसिडर करते हैं या मिस इंटरप्रेट करते हैं कि ये भी इट्स अ टाइप ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, क्योंकि समटाइम्स हम इसमें ये कह रहे होते हैं कि प्राइमरली इट डज डिस्क्राइब एन एग्जिस्टिंग कंडीशन, यानी ये भी एक एग्जिस्टिंग कंडीशन को डिस्क्राइब कर रही होती है, जैसे कि हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कहते हैं. बट द कंडीशन इट डिस्क्राइब्स इज डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम द कंडीशंस टिपिकली डिस्क्राइब्ड इन सेल्फ रिपोर्ट और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज. लेकिन जो कंडीशन इसमें बयान की जा रही होती है वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी या जैसे ऑब्जर्वेशनल स्टडी जो है उससे बिल्कुल हट के होती है. क्यों होती है? बिकॉज अ कोरिलेशनल स्टडी डिस्क्राइब्स इन क्वान्टिटेटिव टर्म्स द डिग्री टू विच वेरिएबल्स आर रिलेटेड. और फिर इस तरह से कोरिलेशन रिसर्च जो है ये इन्वॉल्व करती है कलेक्टिंग डाटा इन ऑर्डर टू डिटरमिन वेदर
and to what degree a relationship exists between two or more quantifiable variables. So degree of relationship is expressed as correlation coefficient. So if a relationship exists between two variables, it means that scores within a certain range on one measure are associated with scores within a certain range on another measure. इसकी हम मिसाल को बाद में मज़ीद समझते हैं. सो सिंपली आप ये समझ लीजिए दैट दिस डिज़ाइन हेल्प्स टू प्रेडिक्ट स्कोर एंड एक्सप्लेन रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स. यानी ये डिज़ाइन जो है स्कोर को प्रेडिक्ट करता है और वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको बताता है. सो वी डू नॉट अटेम्प्ट टू कंट्रोल और मैनिपुलेट द वेरिएबल्स, रादर वी ट्राई टू सी द लिंक डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. तो सिंपल बात ये है कि हम जब ये डिज़ाइन जो है ये कंडक्ट करते हैं तो ये किसी भी तरह से वेरिएबल्स को ना तो कंट्रोल करता है और ना ही उनको मैनिपुलेट करता है, बल्कि सिंपली उसके अंदर दो चीज़ें देखता है. एक उसका लिंक देखता है उन आपस में दोनों का क्या लिंक है, दोनों वेरिएबल्स का, ये दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन. डिग्री ऑफ एसोसिएशन का मतलब ये कि वो कितनी हद तक एक दूसरे से एसोसिएट है, क्या क्या किस किस्म का उनका जो है वो रिलेशनशिप जो है उसमें जो है वो एसोसिएशन की डिग्री है. सो बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी और बिटवीन पॉइंट वेरिएबल ए और वेरिएबल बी. सो वी यूज़ दिस डिज़ाइन व्हेन वी वांट टू रिलेट टू और मोर वेरिएबल्स टू सी इफ़ दे इन्फ्लुएंस ईच अदर. तो आम अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि हम ये तब कंडक्ट करते हैं जब हम ये देखना चाहते हैं कि जो मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स जो हैं वो एक दूसरे ऊपर किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनका एक दूसरे ऊपर क्या असर होता है. जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल्स ली हैं दैट द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एस्टीम एंड टेस्ट परफॉर्मेंस. अगर सेल्फ एस्टीम जो है वो हाई होती है तो टेस्ट परफॉर्मेंस कैसी आती है, और अगर सेल्फ एस्टीम लो हो तो टेस्ट परफॉर्मेंस कैसी होगी. तो इट मीन्स कि हम इन एक दूसरे का असर इसके ऊपर देखने जा रहे हैं. इसी तरह से रिलेशनशिप बिटवीन ऑडियंस मेंबर्स ओपिनियंस ऑफ ए मूवी एंड देयर मूड. तो अब जो ऑडियंस मेंबर्स हैं उनका मूवी और मूड के ऊपर जो है वो असरात देखने का अंदाज. इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं दैट देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक अचीवमेंट. Persons who score highly on intelligence test tend to have higher grade points average, and persons who score low on intelligence test tend to have lower grade point averages. So the purpose of the correlation study may be to determine relationships between variables or to use relationships in making predictions. यानी आपने याद रखनी है बात कि या एक तो ये determine कर रहा होता है relationships क्या हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो वो कितनी एसोसिएशन है उनके अंदर, क्या डिग्री है उसमें, और तीसरी बात ये है कि वो प्रेडिक्शंस क्या करता है फ्यूचर के लिए. सो आप ये समझ लीजिए कि जो रिलेशनशिप स्टडीज़ होती हैं टिपिकली इन्वेस्टिगेट अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स बिलीव्ड टू बी रिलेटेड टू ए मेजर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल सच एज अचीवमेंट. वेरिएबल्स फाउंड नॉट टू बी हाईली रिलेटेड आर एलिमिनेटेड फ्रॉम फर्दर कंसिडरेशंस. लाइक वेरिएबल्स दैट आर हाईली रिलेटेड मे सजेस्ट causal comparative or experimental studies to determine if the relationships are causal or not. So hopefully yahan tak aapko baat samajh aa gayi hai that correlation studies provide an estimate of just how related two variables are. If two variables are highly related, a correlation coefficient jo hai wo fir hum usko bhi aage dekhenge ki jab unke darmiyan mein relationship high hota hai to wo kis tarah se coefficient jo hai uski degree jo hai wo determine hoti hai. So if we talk about the types of correlational design, we usually take this design in two different classifications. One is exploratory design and the other is prediction design. So let's start to discuss explanatory design. We use explanatory design when the researcher is interested to know the extent to which two or more variables co-vary. यानी ये हम तब apply करते हैं जो explanatory design होता है जब researcher ये चाहता है, जानना चाहता है कि कितनी एक्सटेंट तक दो से वेरिएबल जो है वो को वेरी करते हैं. इफ़ डैमेज इन वन वुड बी रिफ्लेक्टेड इन द ऑर्डर,
यानी अगर किसी एक में कोई मसला होता है तो क्या दूसरी चीज़ में भी वो चीज़ नज़र आ रही होती है? एक एग्जांपल ले लीजिए, लोनलीनेस एंड सुसाइड, यानी रिलेशनशिप बिटवीन लोनलीनेस एंड सुसाइड कितनी हद तक है, यानी अगर लोनलीनेस में जो है लोनलीनेस के अंदर इजाफा होता है तो क्या सुसाइडल जो अटैम्प्ट हैं उसके लिए भी बढ़ोतरी होती है कोई? तो दिस इज़ व्हाट वी वांट टू नो अबाउट दैट फिनोमेना, यानी हम उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं उस फिनोमेना को. सो दिस काइंड ऑफ डिज़ाइन इज़ कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी डिज़ाइन. यानी जब हम ये चीज़ जानना चाहते हैं कि एक या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स जो हैं उनके दरमियान में किस किस्म का जो है वो रिलेशनशिप है, और क्या वो एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है, या वो किस तरह से उसको डिटरमिन करता है, उसकी डिग्री को एक्सप्लेन किस तरह से करता है, तो हम ऐसे केस में एक्सप्लेनेटरी डिज़ाइन जो है उसको यूज़ करते हैं. द अदर थिंग विच वी डू इज़ प्रेडिक्शन डिज़ाइन. प्रेडिक्शन डिज़ाइन क्या है? Prediction design used when the researcher tried to predict outcome using certain variables as predictors. यानी जब researcher जो है predict करना चाहता है कि किसी भी variable जो है उसके क्या effects हो सकते हैं, तो तब वो prediction design use करता है. Useful to predict or foretell a future behavior. यानी आप किसी future behavior को बताने की कोशिश कर रहे हो. For example, पेरेंट विद लिटल और नो एजुकेशन माइट बी रिलक्टेंट टू सेंड देयर किड्स टू स्कूल. यानी हमने ये एक चीज़ डिटरमिन कर ली कि शायद जो वालदैन पढ़े लिखे कम होते हैं या जो तलीम है उसका तल्लुक इस चीज़ से है कि अगर वालदैन कम पढ़े लिखे हैं तो उनका रुझान पढ़ाई की तरफ जो है वो कम होगा. सो दिस इज़ अ प्रेडिक्शन. अगर हम इस तरह की चीज़ करने चाहते हैं तो फिर हम प्रेडिक्शन डिज़ाइन जो है वो सेट करते हैं. आइए थोड़ा सा कंसेप्चुअल मैप देखते हैं कोरिलेशन डिज़ाइन का. एज यू कैन सी, लाइक जैसे मैंने आपसे कहा कि एक हम एक्सप्लेनेटरी डिज़ाइन इसमें कंडक्ट करते हैं, दूसरा जो है प्रेडिक्शन डिज़ाइन करते हैं. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द एक्सप्लेनेटरी डिज़ाइन, तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं? रिसर्चर क्या करता है? सीख करने की कोशिश करता है टू एक्सप्लेन द एसोसिएशन अमंग और बिटवीन वेरिएबल्स. यानी वो ये जानने की कोशिश करता है कि जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान में क्या एसोसिएशन है. और उसके लिए आप ये देखिए डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उसको डिटरमिन करती हैं. लाइक इन्वेस्टिगेटर्स कोरिलेट टू और मोर वेरिएबल्स, रिसर्चर्स कलेक्ट डाटा एट वन पॉइंट इन टाइम, इन्वेस्टिगेटर्स एनालाइज द पार्टिसिपेंट्स एज ए सिंगल ग्रुप, रिसर्चर्स ऑब्टेन एटलीस्ट टू स्कोर्स फॉर ईच इंडिविजुअल, वन फॉर ईच वेरिएबल. And researchers report the use of correlation statistical test in the data analysis. Researchers also makes interpretations or draw conclusions from the statistical test results. The other type or the other design is prediction. जब हम प्रेडिक्ट करने की बात करते हैं तो उसमें रिसर्चर जो है उसकी कोशिश होती है टू एंटिसिपेट आउटकम्स बाय यूजिंग सर्टेन वेरिएबल्स एज प्रेडिक्टर्स. इसमें रिसर्चर ये चाहता है डैट टू एंटिसिपेट आउटकम्स बाय यूजिंग सर्टेन वेरिएबल्स एज प्रेडिक्टर्स. और उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इस टाइप की? दैट ऑथर्स टिपिकली इंक्लूड द वर्ड प्रेडिक्शन द टाइटल. यानी आमतौर पर जब इसका रिसर्च डिज़ाइन के लिए जो टाइटल तैयार किया जाता है उसमें ऑथर्स जो हैं प्रेडिक्शन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं. देन रिसर्चर्स टिपिकली मेजर द प्रेडिक्टर वेरिएबल एट वन पॉइंट इन टाइम एंड द क्राइटेरियन वेरिएबल एट ए लेटर पॉइंट इन द टाइम. तो यानी एक तो प्रेडिक्टर वेरिएबल बनाया जाता है, दूसरा जो है वो क्राइटेरियन वेरिएबल जो है उसको बनाया जाता है. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस डिज़ाइन इज दैट ऑथर्स फोरकास्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस. ऑथर्स जो हैं फोरकास्टिंग करते हैं फ्यूचर परफॉर्मेंस के हवाले से कि फ्यूचर में किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है. यानी आप इसकी एग्जांपल यही ले लीजिए कि अगर ये कहा जाए कि जो स्टूडेंट्स सेमेस्टर वन में हाई जीपीए अचीव करते हैं वो यकीनन सेमेस्टर टू में भी हाई जीपीए अचीव करेंगे. सो लेट्स सी
द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कोरिलेशन डिज़ाइन, जो कोरिलेशन डिज़ाइन है उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट डिस्प्ले ऑफ स्कोर्स. अगर हम डिस्प्ले ऑफ स्कोर्स की बात करें यूजली ऑन ए ग्राफ और स्कैटर प्लॉट, आपको एक हम इसका जो डिस्प्ले है वो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए रिलेशनशिप को आमतौर पर जो है वो स्कैटर प्लॉट्स के ऊपर जो है इसको डिस्प्ले किया जाता है ताकि इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके रिलेशनशिप की, या जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है उसको हम बेहतर तरीके से एक स्कैटर प्लॉट की शक्ल में देख सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जैसे कि ये जो स्कैटर प्लॉट नज़र आ रहा है, अगर आप इसको देखें तो एक तरफ जो है वो नेचर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड है और दूसरी तरफ टेम्परेचर है. यानी अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो आइसक्रीम की सेल है वो भी बढ़ जाती है. द सेकेंड करैक्टरिस्टिक इज एसोसिएशन बिटवीन स्कोर्स. यानी जो स्कोर्स के दरमियान में एसोसिएशन है इट कैन बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव भी हो सकती है. जैसे कि एग्जाम रिजल्ट्स, आवर्स स्पेंट ऑन रिवीजन. यानी अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है. दिस सिचुएशन और दिस कंडीशन और दिस कोरिलेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन. यानी एग्जाम्स के आवर्स बढ़ाने की वजह से एग्जाम्स का स्कोर जो है वो सॉरी एग्जाम का जो स्टडी आवर्स हैं वो बढ़ाने की वजह से एग्ज़ाम के रिजल्ट्स जो हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ सकते हैं, वो भी बढ़ते हैं. जो जो आप स्टडी का टाइम बढ़ाते जाते हैं इसी तरह से आपके जो रिजल्ट्स हैं दे कैन इम्प्रूव बेटर. तो दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द स्कोर्स इज कॉल्ड पॉजिटिव एसोसिएशन. और आप यू कैन सी कि दीज आर रेजिंग ऑन द सिमिलर पॉइंट्स. Okay, the other characteristic is like it can be negative. The relationship between or the association between two variables can be negative. Means एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ जो है वो कम हो रही है. इट इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उनके दरमियान में रिलेशनशिप नहीं है. द रिलेशनशिप एग्जिस्ट्स लेकिन वो कैसा रिलेशनशिप है, वो एक नेगेटिव रिलेशनशिप है. सो इसकी एग्जाम्पल ले लीजिए ग्रेड पॉइंट एवरेज एंड ड्रिंक्स पर वीक. यानी जो कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं वो ड्रिंक्स करते हैं या ज़्यादा उनकी जो है वो किसी भी मंशियात का शिकार हैं, उनके ग्रेड पॉइंट एवरेज जो हैं वो भी कम होते चले जाते हैं. सो दिस इज़ अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स. द अदर वन इज़ मल्टीपल वेरिएबल एनालिसिस. यानी आप इसमें मल्टीपल वेरिएबल एनालिसिस की आपके पास गुंजाइश होती है. यानी आप सिर्फ ऐसा ही नहीं है, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल्स में देखा कि दो वेरिएबल्स के दरमियान एनालिसिस था, जैसे कि यहाँ पे ग्रेड पॉइंट एवरेज और ड्रिंक्स पर वीक का एनालिसिस था. यहाँ पे आपने देखा कि एग्जाम्स रिजल्ट और आवर स्पेंट ऑफ स्टडी जो है उसका एनालिसिस था. इस जगह पे हमने देखा कि यहाँ पे टेम्परेचर और आइसक्रीम की जो सेल है उनके दरमियान एनालिसिस. तो मीन्स कि दीज वर टू ओनली टू वेरिएबल्स, लेकिन हमें जो कोरिलेशन स्टडी है वो विद इन मल्टीपल वेरिएबल्स भी जो एनालिसिस करने की जो है इसमें सहूलत मौजूद होती है. सो दिस इज़ यूज व्हेन मोर देन वन वेरिएबल्स आर यूज टू प्रेडिक्ट स्कोर्स और बिहेवियर सच एज मोटिवेशनल मोटिवेशन अचीवमेंट एंड टाइम ऑन टास्क. यानी हमारे पास एक्स वाई एंड जी तीन तरह के जो हैं वेरिएबल्स मौजूद हैं, मोटिवेशन अचीवमेंट एंड टाइम ऑन टास्क. यानी मोटिवेशन और अचीव मोटिवेशन की वजह से अचीवमेंट होती है, और अचीवमेंट जो है वो तभी होती है जब हम टास्क जो है वो टाइम पे कंप्लीट कर लें. सो दीज आर द फ्यू करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कोरिलेशन डिज़ाइन. इफ दे एग्जिस्ट और दे वर्क लाइक दैट इट मीन्स के दिस काइंड ऑफ स्टडी कैन बी अ कोरिलेशनल डिज़ाइन और स्टडी. तो हम अगर डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं कि डिग्री ऑन स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन कि वो कितनी हद तक उसकी डिग्री और स्ट्रेंथ जो है वो एसोसिएशन की उसमें मौजूद है. सो डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज़ द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स और सेट्स ऑफ स्कोर्स फ्रॉम कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो कि कोरिलेशन कोफिशिएंट की रेंज क्या है, माइनस वन से प्लस वन के दरमियान है. वाइल 0.00 मीन्स नॉन लीनियर कोरिलेशन एट ऑल. और 0.00 मीन का मतलब ये है कि उनके दरमियान में कोई लीनियर कोरिलेशन नहीं पाया जाता है. सो जब हम इसकी एसोसिएशन की डिग्री को मेजर करते हैं, स्ट्रेंथ को मेजर करने की कोशिश करते हैं, तो उसका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट की रेंज है दैट इज़ बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन. सो अगर आप ये देखें
कि अगर आपके पास ये डिफरेंट रेंजेस जो हम यहाँ पे बता पढ़ने जा रहे हैं, इसमें अगर इस रेंज में आपके रिजल्ट्स जो हैं फॉल करते हैं, कोरिलेशन फॉल करती है, तो वो किस तरह से उसके क्या इंटरप्रिटेशन है। इफ द कोरिलेशन इज़ कम्स बिटवीन द 0.20 टू 0.35, इट शोज दैट देर इज़ अ स्लाइट कोरिलेशन usually used to explore interconnection between variables but cannot be used in prediction studies. यानी हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इनके दरमियान में स्लाइट कोरिलेशन है, और इसमें से हमें ये ज़ाहिर होता है कि उनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप या कनेक्शन मौजूद है, लेकिन हम इस तरह का जो रिज़ल्ट है हम उसकी बेसिस के ऊपर कोई प्रडिक्शन जो है वो नहीं कर सकते हैं। और अगर ये कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो रेंज है 0.35 से 0.65 के दरमियान में आती है, तो हम कहते हैं कि दिस इज़ अ यूज़फुल फॉर लिमिटेड प्रेडिक्शन। तो हम एक लिमिटेड प्रेडिक्शन के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आल्सो टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स विद इन ए स्केल, और इसके जो हम हासिल होने वाले रेंज है उसकी मदद से हम डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको भी मेजर किया जा सकता है। सो इफ दिस रेंज कम्स फ्रॉम 0.66 टू 0.85, तो इसका मतलब यह है दैट इज़ ए गुड प्रेडिक्शन। यानी हम 0.6 से ऊपर अगर हमारे पास डिग्री ऑफ एसोसिएशन आती है, स्ट्रेंथ आती है, तो हम ये कहते हैं कि दिस इज ए गुड स्ट्रेंथ और गुड प्रेडिक्शन ऑफ वन वेरिएबल ऑन द अदर। यानी ये एक अच्छा जो है वो प्रेडिक्शन है, एक अच्छा कोरिलेशन है। सो इफ़ द रेंज कम्स 0.86 एंड अबव, अगर 0.86 से और उससे ऊपर आता है रिलेशनशिप, तो हम कहते हैं यूजली यूज फॉर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एंड टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। तो हमारे जो वो रेंज है वो 0.86 से ऊपर आ जाए, तो हम ये कहते हैं कि हम उसको कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के लिए और टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी के लिए हम एक्सेप्ट करते हैं। और यूजली ये जो अचीव्ड व्हेन टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड, और ये तभी हमें हासिल हो सकती है जब वाकई ही में दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड हों और स्ट्रांगली जो है वो रिलेटेड हों। सो दीज आर द डिग्री एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ एसोसिएशन इन बिटवीन वेरियस वेरिएबल्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप्स। वो कौन से स्टेप्स हैं? जिनको गुजरते हुए हम कोरिलेशन स्टडी को कंडक्ट करते हैं। सो व्हाइल रिलेशनशिप स्टडीज एंड प्रेडिक्शन स्टडीज हैव यूनिक फीचर्स विच डिफरेंशिएट देम, देयर बेसिक प्रोसेस आर वेरी सिमिलर। सो द फर्स्ट स्टेप इज प्रॉब्लम सिलेक्शन। डिटरमिन इफ अ कोरिलेशन स्टडी बेस्ट एड्रेसेस द रिसर्च प्रॉब्लम। अब हम ये किस तरह से प्रॉब्लम सिलेक्शन किस तरह से करते हैं? कोरिलेशन स्टडीज मे बी डिजाइंड आइदर टू डिटरमिन विच वेरिएबल ऑफ अ लिस्ट ऑफ लाइकली कैंडिडेट्स आर रिलेटेड और टू टेस्ट हाइपोथेसिस रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप्स। सो वेरिएबल्स टू बी इंक्लूडेड शुड बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ आइदर आर डिडक्टिव और एन इंडक्टिव रैशनल। इन अदर वर्ड्स द रिलेशनशिप टू बी इन्वेस्टिगेटेड शुड बी सजेस्टेड बाय थ्योरी और डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। जैसे कि हम हमेशा किसी भी टाइप ऑफ जो भी रिसर्च प्रॉब्लम हम कंडक्ट करते हैं उसमें हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये अप्रोचेस यूज़ कर रहे होते हैं। सो कोरिलेशनल ट्रायल हंट्स इन विच द रिसर्चर कोरिलेट्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेरिएबल्स टू सी व्हाट टर्न्स अप एंड टू बी स्ट्रांगली डिस्करेज्ड। दिस रिसर्च स्ट्रेटजी डज नॉट इन्वॉल्व हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड इज वेरी इनएफिशिएंट। व्हाइल इट मे लीड टू द डिस्कवरी ऑफ एन इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप, इट मोर ऑफन प्रोड्यूसेस suppress correlations coefficients, that is coefficients that do not accurately reflect the degree of relationship between two variables and which are not found if the variables are correlated, again using another sample. So it's very important to decide or determine the problem statement while you are going to conduct a correlation study. So dusra step jo hai, that is to identify individuals to study. यानी आप किस तरह से इंडिविजुअल्स को अपनी स्टडी के लिए आइडेंटिफाई करेंगे, मींस आप सैंपल किस तरह से सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए क्या है,
The sample for a correlation study is selected using an acceptable sampling method, and 30 subjects are generally considered to be minimally acceptable sample size. और कम से कम जो है correlation study के लिए 30 का number जो है वो होना ज़रूरी है. यानी अगर 30 से कम subjects होते हैं तो हम ये कहते हैं कि this is not a good sample for the correlation study. So as within any study, it is important to select or develop valid, reliable measures of the variables being studied. So if inadequate data are collected, the resulting correlation coefficient will represent an inaccurate estimate of the degree of relationship. So ये भी बड़ा important है, जो कि step 3 है, that we should identify two or more measures for each individual in the study. यानी हम बड़े wisely इस चीज़ को choose करें कि हम कौन सा instrument इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिसके ज़रिए ऑथेंटिक और एक्यूरेट क्वालिटी डाटा जो है वो हमें मिल सके. सो फर्दर इफ द मेजर्स यूज्ड डू नॉट रियली मेजर द इंटेंडेड वेरिएबल्स, द रिजल्टिंग कोएफिशिएंट विल नॉट इंडिकेट द इंटेंडेड रिलेशनशिप्स. सपोज फॉर एग्जांपल यू वांटेड टू डिटरमिन द रिलेशनशिप बिटवीन अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स अचीवमेंट. इफ यू सिलेक्टेड एंड स्टेटेड अ वैलिड रिलायबल टेस्ट ऑफ कंप्यूटेशनल स्केल एंड अ वैलिड रिलायबल टेस्ट ऑफ physics achievement, the resulting correlation coefficient would not be an accurate estimate of the intended relationship. Computational skill is only one kind of mathematical achievement. The resulting coefficient would indicate the relationship between physics achievement and one kind of mathematical achievement, computational skill. So thus care must be taken to select measures that are valid for your purposes. जो चौथा इसमें step है जो कि बड़ा important, that is data collect and monitor potential threats. यानी आप डाटा कलेक्ट करें और जो पोटेंशियल थ्रेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें. यानी ऐसा कोई फैक्टर तो नहीं है जो कि आपके डाटा कलेक्शन के दौरान आपके डाटा को टेम्पर कर सकता है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है, उसकी ओरिजिनलिटी या ऑथेंटिसिटी जो है उसको ख़तरा लाहक हो सकता है. सो इट शुड बी वेरी वाइसली डन. The fifth step is to analyze the data and represent the results. Data analysis and interpretation is also very important while conducting correlation study. So we must be very careful in analyzing and representing the results. So when two variables are correlated, the result is correlation coefficient. So a correlation coefficient is a decimal number between 0.00 and plus 1 or minus 1, which indicates the degree to which two variables are related. जैसा कि अभी हमने पिछले slides में पढ़ा. सो इसका मतलब ये है कि हमें जो डाटा का इंटरप्रिटेशन करनी है वो हमने इसी रेंज के ऊपर ही करनी है. सो इंटरप्रिटेशन ऑफ ए कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिपेंड्स अपॉन हाउ इट इज टू बी यूज्ड. इन अदर वर्ड्स, हाउ लार्ज इट नीड्स टू बी इन ऑर्डर टू बी यूजफुल डिपेंडेंट्स अपॉन द पर्पस फॉर विच इट वॉज कंप्यूटेड. So in a study designed to explore test hypothesized relationships, a correlation coefficient is interpreted in terms of its statistical significance. Okay. So how you gonna evaluate it that your research is a good research? To evaluate and assess the quality of a good correlation study, we must evaluate in terms of the strengths of data collection, analysis and interpretation. यानी अगर हमारी ये तीन चीज़ें ठीक हैं तो ही हम कह सकते हैं, evaluate कर सकते हैं, और evaluation के बेस पे हम कह सकते हैं कि हमारी study जो है that is a good one. The first one is data collection. यानी it's very important to collect adequate data from the adequate sample size. यानी आपके पास एक sufficient number of sample होना चाहिए और आप truly जो है उस data को collect कर सकें. दूसरी चीज़ है analysis. Good presentation in graphs and metrics. Clear procedures. आप जब analysis करें तो उसको बजाय इसके कि आप numerical form में लिखते जाएँ और descriptive form में लिखते जाएँ, try to display your data in graphs and metrics, and also try to have a clear procedures for your study.
The third thing is interpretation. इंटरप्रटेशन ये है कि आप बेहतर अंदाज से रिलेशनशिप्स को जो है वो डिस्क्राइब कर सकें, जो भी वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप पाए जाते हैं. सो दीज आर द थ्री बेसिक थिंग्स दैट वी शुड एवेल्यूएट टू अबाउट आर स्टडी. ओके, क्रिसवेल जो है उसकी बुक से हमने एक एग्जांपल ली है ताकि हम बेहतर तरीके से आपको समझा सकें कि कोरिलेशन स्टडी कैसी हो सकती है. सो उसने एक टॉपिक जो उस पर काम किया दैट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंटल अटैचमेंट ऑन द कॉलेज एडजस्टमेंट ऑफ वाइट ब्लैक एंड लैटिनो हिस्पैनिक वेमेन अक्रॉस कल्चरल इन्वेस्टिगेशन. अब इसमें पर्पस क्या था. द स्टडी एग्जामिन द पोटेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन अटैचमेंट पैटर्न्स एंड कॉलेज एडजस्टमेंट अमंग ए डाइवर्स सैम्पल ऑफ वेमेन अटेंडिंग अ डाइवर्स अर्बन कंप्यूटर कॉलेज. यानी आपने इसमें एडजस्टमेंट और अटैचमेंट के पैटर्न्स देखने थे. अब एडजस्टमेंट वाज डिफाइंड एज रिमेनिंग इन कॉलेज इंजॉइंग साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड परफॉर्मिंग वेल एकेडमिकली व्हाइल कॉलेज रिटेंशन वाज डिफाइंड एज ए कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इवेंट्स दैट शेप स्टूडेंट लिविंग एंड परसिस्टेंस. अब आप देखिए कि उसने यहाँ पर टॉपिक बताया, पर्पस बताया, और जो उसका इंटरेस्टिंग वेरिएबल था या वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं उसको उसने ऑपरेशनलाइज भी किया. यानी बताने की कोशिश भी की कि अगर वो एडजस्टमेंट को देखने जा रहा है तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट. यानी वो कौन से पैरामीटर या क्राइटेरियाज होंगे जिसके ऊपर आप एडजस्टमेंट को जो है वो जानने की कोशिश करेंगे. अब इसके लिए इसने मेथड क्या यूज़ किया. इसने 95 फीमेल कॉलेज स्टूडेंट्स जो उनको चूज़ किया जिसमें से कि 24 जो थे वाइट्स थी, 27 ब्लैक हैं और 44 जो हैं वो लैटिन हिस्पैनिक थी. सो दे वर एज्ड बिटवीन 17 to 25. अब आप देखेंगे जब हम बात करते हैं कि ये बड़ा वाइसली डिसाइड करने की ज़रूरत है कि आप सैम्पल किस तरह से सिलेक्ट कर रहे हैं. तो अब इसमें देखिए कि तीनों तरह की जो रिप्रेजेंटेशन है सैम्पल की मौजूद है और विद सफिशेंट नंबर मौजूद है. अब इस स्टडी को कंडक्ट करने के लिए उसने कुछ हाइपोथेसिस इस तरह से डिज़ाइन किए दैट स्कोर्स ऑन कॉलेज एडजस्टमेंट विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरिएबल्स ऑफ रेस एंड पेरेंटल कॉलेज एजुकेशन. मोर स्पेसिफिकली वाइट स्टूडेंट्स विल रिपोर्ट हायर कॉलेज एडजस्टमेंट स्कोर देन देयर नॉन वाइट पीयर्स. दूसरा जो हाइपोथेसिस डिज़ाइन किया गया दैट वाज पेरेंटल अटैचमेंट विल इन्फ्लुएंस स्कोर ऑन कॉलेज एडजस्टमेंट. और तीसरा हाइपोथेसिस जो डिज़ाइन किया गया दैट इज रेस एंड पेरेंटल अटैचमेंट कंबाइंड विद प्रोवाइड द बेस्ट मॉडल फॉर प्रेडिक्टिंग कॉलेज अटैचमेंट. ये तीन तरह के जो हाइपोथेसिस जो थे उस पर डिज़ाइन किए गए और रिजल्ट्स कुछ इस तरह से आए दैट नन ऑफ द डेमोग्राफिक वेरिएबल्स असेस्ड इन्फ्लुएंस कॉलेज अटैचमेंट. नेगेटिव कोरिलेशन रहा उनके दरमियान में. फिर जो हिस्पैनिक स्टूडेंट्स थे हुज पेरेंट्स ऑफर्ड सपोर्ट परफॉर्म्ड बेटर. और हाइपोथेसिस टू और थ्री वर स्लाइटली सपोर्टेड. यानी दूसरा और तीसरा हाइपोथेसिस जो था वो सपोर्टेड था जबकि पहला जो था उसमें नेगेटिव कोरिलेशन आया था. अब पहला देखिए कि उसमें क्या है. पहले में विद इन द जो डेमोग्राफिकल सिचुएशन है कि वाइट और नॉन वाइट जो पीयर्स हैं उनके दरमियान में क्या इस तरह का रिलेशनशिप है तो वो नेगेटिव रहा जबकि जो दूसरे दो हाइपोथेसिस हैं उनके दरमियान में स्लाइटली उन्होंने सपोर्ट किया. सो अमंग वाइट एंड ब्लैक स्टूडेंट्स देर वॉज अ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन बिटवीन इफेक्टिव क्वालिटी एंड एकेडमिक अचीवमेंट. तो वाइट और ब्लैक जो स्टूडेंट्स उनके दरमियान में सिग्निफिकेंट कोरिलेशन मौजूद था. अब इसकी लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं रिसर्च की. इट रिलाइड ऑन सेल्फ रिपोर्ट मेयर्स ऑफ इट्स डाटा. ये अपने ही जो डाटा आपने मेयर किया हुआ है उसी के ऊपर ही डिपेंड करता है, उसी पर रिलाई करता है. इट लैक्स रैंडम सैंपलिंग और इसमें आप रैंडम सैंपलिंग नहीं करते हैं. इट लैक्स इंफॉर्मेशन ऑन SES, पेरेंटल कोपेशन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन पेइंग फॉर कॉलेज, लैंग्वेज स्पोकन एट होम, ईयर्स ऑफ लिविंग इन USA एंड सोशल सपोर्ट डेटा. देर लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे हैव टू प्रोवाइड. ओके, लेट्स टॉक अबाउट फ्यू एथिकल इशूज़ इन कंडक्टिंग कोरिलेशन डिज़ाइन. अब ये कुछ एथिकल इशूज़ जो हैं वो ये डिज़ाइन कंडक्ट करने में आते हैं. जैसे कि इट इज़ unethical to not have measured appropriate controls. यानी अगर आप appropriate controls नहीं कर पाते हैं तो आपको जो results हैं वो definitely different हो सकते हैं
और इसी वजह से उसको अनएथिकल भी कहते हैं। सो इट इज़ अनएथिकल टू एडिट और मेकअप डाटा। आप जो भी आपके पास डाटा आ रहा है आप उसको अगर एडिट करते हैं या मेकअप करते हैं, कुक करते हैं, तो इट मीन्स के वो अनएथिकल है। इस तरह से प्लेजरिज्म शुड नॉट बी एंटरटेन्ड। प्लेजरिज्म आपके उसके अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए। इट इज़ अनएथिकल नॉट टू रिपोर्ट कंट्राडिक्टरी फाइंडिंग्स। इस तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी फाइंडिंग्स जो है अगर आप उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ये भी अनएथिकल है। इफ देयर इज समथिंग कॉन्ट्राडिक्टरी यू मस्ट रिपोर्ट इट। सो इट इज़ अनएथिकल नॉट टू शेयर द रिजल्ट ऑफ रिसर्च विद अदर्स। और आप खास तौर पे आप जब कोई भी स्टडी कंडक्ट करते हैं और उसके रिजल्ट्स को आपने नेबर के साथ शेयर नहीं करते हैं तो दिस इज़ योर बिगेस्ट मिस्टेक। So during meta-analysis, it is unethical to exclude studies because of their small sample size and significant results. So meta-analysis करते हुए जो है अगर हम small studies जो हैं उनको exclude कर देते हैं तो ये भी गलत है। So let's talk about few strengths of the correlation design. इसके research design की strengths के बारे में अगर हम बात करें तो it can indicate relationship between two or more variables. यानी इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि relationship बताता है दो या दो से ज़्यादा variables के दौरान। इस तरह से इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन अ सर्टन बिहेवियर। ये किसी भी बिहेवियर को एक्सप्लेन भी करता है। इट शोज़ द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ये रिलेशनशिप के दरमियान में डिग्री बताता है कि कितनी हद तक, हाउ मच, हाउ मैनी। सो इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रडिक्ट एन आउटकम। और ये किसी न किसी चीज़ का आउटकम प्रडिक्ट करने में भी हेल्पफुल होती है ये स्टडी। इट हेल्प्स टू डिटर्मिन द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप फॉर फर्दर। और ये ना सिर्फ डिग्री बता रही होती है रिलेशनशिप की बल्कि उसका स्ट्रेंथ बताती है और डायरेक्शन बताती है। हियर आर द वीकनेस ऑफ कोरिलेशन डिज़ाइन। अब कुछ इसकी वीकनेसेस भी हैं जैसे कि इट्स फाइंडिंग कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। सबसे बड़ा मसला है कि आप इसकी फाइंडिंग को बहुत ज़्यादा जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। सो इट डज नॉट शो कॉजेशन, जस्ट रिलेशनशिप, कोरिलेशन और कॉजेशन। ठीक है जी, ये सिर्फ और सिर्फ जो है रिलेशनशिप बताती है, उसकी कॉजेज जो है कोरिलेशन की वो हमें नहीं बताती है। सो दिस इज़ ए लिमिटेड लिमिट, दिस इज ए लिमिट ऑफ दिस कोरिलेशन डिज़ाइन, और यू कैन से द वीकनेस ऑफ द कोरिलेशन डिज़ाइन। इट डज़ नॉट रिवील विच ऑफ द वेरिएबल्स कॉज्ड रिलेशनशिप, और ना ही ये बताती है कौन से वेरिएबल्स जो हैं वो रिलेशनशिप को कॉज कर रहे हैं। सो इट्स टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। समटाइम्स इट्स टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव व्हाइल यू आर स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग interviews anyone in difficult circumstances or situations. Its results can be affected by poor survey and unrepresentative samples. तो इसकी जो results हैं वो poor survey और unrepresentative sample की वजह से जो है वो effect भी हो सकते हैं। So here are the few references from where you can have a good reading material about this. So thank you very much. आपका ये लेक्चर सुनने का, यकीनन आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। और कोरिलेशन स्टडी जो है उसके बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी एंड पुट अ क्वेश्चन ऑन गूगल क्लासरूम एंड आई कैन आंसर यू देयर। थैंक यू वेरी मच।